दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के पॉइंट ऑफ सेल फीचर के बारे में, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर किसी भी मॉल का या फिर किसी भी ग्रोसरी स्टोर का बिल जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर आप टेली प्राइम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर परचेज करने की आवश्यकता ना पड़े, आप चाहते हैं कि आपके इसी टेली प्राइम से ग्रोसरी का बिल भी जनरेट किया जा सके, तो आप इसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप एक छोटी सी सेटिंग करके इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर पॉइंट ऑफ सेल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। हम यहाँ पर कंपनी का नाम देने वाले हैं पॉइंट ऑफ सेल। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम में आपको सेम नेम रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस फिल करना है, तो हम यहाँ पर फटाफट एक एड्रेस फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एड्रेस फिल कर लिया है। इसके बाद आपको एंटर करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करने वाले हैं। हमने यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। कंट्री यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना होगा, तो यहाँ पर हम अपना पिन कोड डाल लेते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगर आपकी कंपनी में कोई भी टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पर उसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेंडमली कोई भी एक नंबर फिल कर लेते हैं। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर फिल करना है, तो हम यहाँ पर रेंडमली कोई भी एक नंबर फिल कर लेते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगर आपकी कंपनी में कोई फैक्स नंबर है तो यहाँ पर आप फैक्स नंबर टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर दीजिए। ईमेल आईडी में आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हैं अपनी कंपनी की, तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल लेते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट फिल करनी है, तो यहाँ पर अपनी कंपनी का वेबसाइट डाल लेते हैं। तो दोस्तों इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है, दोनों में ही आपको यहाँ पर सेम डेट रखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करके बेस ऑफ करेंसी सिंबल पर आ जाना है। यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं करनी है, आपको केवल यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज दिखाई देगा, और इसके अलावा आपके सामने काफ़ी सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे जिनमें से हम यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करने वाले हैं। तो यहाँ से हम एंटर करके टैक्सेशन पार्ट में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जीएसटी का, इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर येस करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर आपको रखना है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेस ऑफ अदर टेरिटरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे येस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे येस करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो दिल्ली है। और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी कंपनी का एक जीएसटी नंबर फिल करने वाले हैं, तो फटाफट में यहाँ पर अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर डाल लेते हैं। जीएसटी को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप अपनी जीएसटी को मंथली फाइल करेंगे या फिर क्वार्टरली फाइल करेंगे, तो हम यहाँ पर क्वार्टरली को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप ई इनवॉइसिंग चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे यस कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इसके सभी ऑप्शन को एक एक करके समझ सकते हैं। हम यहाँ पर इसे कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, सेट अल्टा कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। यहाँ पर हम किसी भी तरीके का कोई भी रेट या कोई भी जीएसटी डिटेल्स ऐड नहीं करने वाले हैं, तो फिलहाल हम इसे यहाँ पर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल के नाम से कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम चले जाते हैं क्रिएट वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आपको क्रिएट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वाउचर टाइप का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप अपने वाउचर को जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर नाम देने वाले हैं पोज यानी पॉइंट ऑफ सेल। इसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेलेक्ट टाइप वाउचर का, यानी आप जो वाउचर बना रहे हैं वो किस तरीके का वाउचर होगा, तो हम इसे अंडर ऑफ डालेंगे सेल्स के अंडर डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करके नीचे आ जाना है, और इसके बाद हम यहाँ से राइट वाले पार्ट पर चले जाएंगे प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग का एक ऑप्शन, इसको हम यहाँ पर यस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस ऑप्शन का जो मतलब है वो ये है कि जब भी हम वाउचर को सेव करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन शो कर जाएगा, हम डायरेक्टली चाहें तो वहीं से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पोज इनवॉइसिंग का यूज करना चाहते हैं, यूज फॉर पोज इनवॉइसिंग। तो हम यहाँ पर इसे यस करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर मैसेज टू प्रिंट वन और मैसेज टू प्रिंट टू आपको दिखाई दे रहा है, यानी आप अपने बिल पर, अपने इनवॉइस पर क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मैसेज टाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं। हम यहाँ पर पहले वाले मैसेज में लिखने वाले हैं थैंक्स फॉर विजिट, इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट मैसेज में लिखेंगे विजिट अगेन और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यानी कि आपके बिल के ऊपर डिफॉल्ट टाइटल क्या प्रिंट होना चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम ही डालने वाले हैं, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं एक्सेल इन्फोटेक। इतना करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेट अल्टर डिक्लेरेशन, यानी आपने देखा होगा जब भी कोई बिल हमारा बनता है उस बिल के ऊपर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे आपने किसी भी गुड्स को परचेज या तो फिर किसी गुड्स को सेल किया है तो वहाँ पर उसकी टर्म्स कंडीशन आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग उसमें डाल सकते हैं कि बिका हुआ सामान इतने दिनों में रिटर्न हो सकता है या फिर एक्सचेंज किया जा सकता है, वापस नहीं किया जा सकता। इस तरह की कोई भी कंडीशंस अगर आप चाहें तो अपनी डिक्लेरेशन के अंदर आप यहाँ पर अपने बिल के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे यस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही रहने देते हैं। हम यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। नेम ऑफ क्लास में आपको यहाँ पर कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर केवल एंटर करके इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद हमारा जो वाउचर है वह यहाँ पर कंप्लीटली क्रिएट कर दिया गया है। अब हमें एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए हम यहाँ से स्कैप करके बाहर आने वाले हैं। बाहर आने के बाद हम यहाँ से जाएंगे वाउचर्स के अंदर। तो दोस्तों वाउचर्स के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको राइट साइड में अदर्स वाउचर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से F10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पोज इनवॉइस के नाम से आपको एक शॉर्टकट की भी दिखाई देगी F8, जो कि सेल वाउचर की शॉर्टकट की होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर सेल वाउचर की जगह पर ही पोज इनवॉइस को ऐड किया है। तो यहाँ पर आप इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं F8। जैसे मान लीजिए हम किसी अदर वाउचर्स के अंदर हैं और हमें डायरेक्टली पोज वाउचर को ओपन करना है, तो हम यहाँ पर F8 की प्रेस करेंगे। F8 की प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स और पोज दोनों ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप जिस वाउचर का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं उस वाउचर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर पोज इनवॉइस का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर पोज को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा, तो हम फटाफट यहाँ पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से चाहें तो ऑल्ट के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप अपनी पार्टी का नाम टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मोहन, और इसे अंडर ऑफ डाल देते हैं सेंड्री डेबिटर, यानी ये हमारा कस्टमर है तो इसलिए हम इसको सेंड्री डेबिटर में डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है, यानी कस्टमर का जो भी रजिस्ट्रेशन टाइप है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम बेसिकली रेगुलर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करना है, तो यहाँ पर हम एक जीएसटी नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों जीएसटी नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल का, इसे फिलहाल हम यहाँ पर नो रखने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पार्टी की सभी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर भी आपको कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद सेल्स लेजर के अंदर यहाँ पर आपको एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे और इसे अंडर ऑफ डाल देंगे सेल्स अकाउंट के। तो हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट के अंदर डालते हुए इसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। टाइप ऑफ लेजर्स के अंदर यहाँ पर हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर कोई भी इनवॉइस राउंडिंग या फिर डिस्काउंट का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन। यहाँ पर फिलहाल हमें इसे नॉट एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पर आपको एज पर कंपनी ग्रुप सेलेक्ट करते हुए एंटर करके यहाँ पर गुड्स को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर इस लेजर को सेव कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टी का लेजर और सेल्स लेजर दोनों ही यहाँ पर क्रिएट कर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नेम ऑफ आइटम्स का, तो यहाँ पर हम अपने आइटम्स को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर आप आइटम क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल्ट सी करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपने आइटम्स का नाम डालना है। तो हम यहाँ पर अपने आइटम का नाम फिल कर लेते हैं। हमने आइटम का नाम लिया है iPhone 13 Pro Max। इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ
पर आप देख सकते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पर आप अपनी आइटम्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में ये डिस्क्रिप्शन दिखाई ना दे तो आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F12 प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यहाँ पर यस कर देना है। इतना करते ही आपका जो स्टॉक डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हम यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन को ऐड करते हुए यानी टाइप करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अंडर ऑफ यानी आपको यहाँ पर अंडर ऑफ ग्रुप क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम क्रिएट वाले सेक्शन पर जा करके यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एप्पल के नाम से हमने यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हुए इसे प्राइमरी में डालेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हाँ हमारा जो आइटम है वो यहाँ पर ऐड होना चाहिए। यहाँ पर इसे यस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स के ऑप्शंस मांगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपने जीएसटी की सभी डिटेल्स को फिल करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर को सिलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से आपसे एचएसएन या फिर सैक नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर हम अपना एचएसएन नंबर टाइप कर देते हैं क्योंकि हमारे पास आइटम है, तो हम यहाँ पर एचएसएन नंबर टाइप करने वाले हैं। एचएसएन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आप अपने आइटम की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं मोबाइल। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टैक्सेबल को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। जो भी जीएसटी रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल है उतना जीएसटी रेट आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो हमारा मान लीजिए यहाँ पर 18% का जीएसटी रेट है, तो हम यहाँ पर 18% टाइप करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको सेस वैल्यूएशन टाइप में कुछ भी नहीं करना, सीधे नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है और इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों होगा क्या कि जब भी हम किसी भी आइटम को एप्पल ग्रुप के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर 18% का जीएसटी अपने आप अप्लाई कर दिया जाएगा, यानी हमें बार बार जीएसटी को एप्लीकेबल करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी के साथ कैटेगरी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं मोबाइल, उसके बाद यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। यूनिट्स के अंदर आपको यहाँ पर यूनिट क्रिएट करनी है, तो फिर से हम यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं नोज, और नोज टाइप करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप एंड टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नोज यानी नंबर्स, और इसे आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे फिर से जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने ग्रुप में डिटेल्स फिल की थी वो सभी डिटेल्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फिल हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को केवल एप्लीकेबल रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्वांटिटी देनी है कि आप कितने पीस सेल कर रहे हैं। सिंगल वन पीस को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम प्राइस डालेंगे, मान लीजिए हमारा जो प्राइस है वो यहाँ पर 65,000 का है, 65,000 डालते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है एज पर मास्टर कंपनी, यानी कि जो भी आपका जीएसटी रेट है वो आपकी कंपनी मास्टर ग्रुप के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाए, तो यहाँ पर हम इसे यही रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई और आइटम ऐड करना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से ऑल्ट सी की मदद से आप और भी आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई अदर आइटम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एंटर करते हुए इसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें अपनी जीएसटी को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी की मदद से लेजर क्रिएशन विंडो में वापस से आएंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके बाद यहाँ पर इसे अंडर ऑफ डाल देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको जीएसटी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर CGST दिखाई देगा, यहाँ पर हम CGST को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों CGST को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के अंदर फिलहाल हमें यहाँ पर 0% रखते हुए एंटर प्रेस करना है। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते हैं CGST हमारा यहां पर रिप्रेजेंट हो चुका है, यानी हमारा जो टैक्स था वो 18% का था, तो यहां पर 9% हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहां पर वापस से एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहां पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे SGST/UTGST। इसके बाद इसे भी अंडर ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हुए हम यहाँ पर जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम SGST और UTGST को सिलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल अमाउंट बना है वो 76,700 का टोटल अमाउंट बना है जीएसटी इंक्लूड करने के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मोड ऑफ पेमेंट है, अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कैश ही दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कोई कस्टमर है जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से और कैश के माध्यम से दोनों ही तीनों मोड से पेमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें मल्टी मोड पेमेंट्स को एक्टिवेट करना होगा। मल्टी मोड पेमेंट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मल्टी मोड पेमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गिफ्ट वाउचर दिखाई दे रहा है, क्रेडिट डेबिट कार्ड दिखाई दे रहा है, चेक दिखाई दे रहा है और इसके अलावा कैश भी आपको दिखाई दे रहा है। यानी इन सभी मोड से आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं अपने कस्टमर से। तो हम यहाँ पर इन सभी पेमेंट मोड्स का इस्तेमाल करके पेमेंट को किस तरीके से रिसीव करते हैं आइए जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला मोड आप देखेंगे गिफ्ट वाउचर है। मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसके पास किसी ऐसी कंपनी का गिफ्ट वाउचर है जो हमारे यहाँ रिडीम किया जाता है, तो यहाँ पर हम अपने गिफ्ट वाउचर को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करते हैं और यहाँ पर गिफ्ट वाउचर को क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए Amazon गिफ्ट वाउचर। यानी मान लीजिए हमारी शॉप पर Amazon का गिफ्ट वाउचर अप्लाई किया जा सकता है यानी रिडीम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम Amazon का गिफ्ट वाउचर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। Amazon गिफ्ट वाउचर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम इसे अंडर ऑफ डालेंगे सेंडी डेबिटर के, क्योंकि ये जो वाउचर है ये हमारे कस्टमर के थ्रू हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पर सेंडी डेबिटर को रखते हुए यहाँ पर इसे एंटर एंटर करके या फिर कंट्रोल ए की मदद से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जितना अमाउंट यानी गिफ्ट वाउचर का है उतना अमाउंट हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप किया 700 का ये गिफ्ट वाउचर है जो कस्टमर यहाँ पर रिडीम करने वाला है। तो हम यहाँ पर 700 को टाइप करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक बैंक का लेजर क्रिएट करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करने वाले हैं। मैं इसको एक बार ऑल्टर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया है, इसे अंडर ऑफ डाला है बैंक अकाउंट के। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी अकाउंट डिटेल और IFSC कोड, बैंक डिटेल्स वगैरह सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने फिल कर दी है। यहाँ पर हम इसे कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना अमाउंट हमारा बैलेंस था वो अमाउंट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो कस्टमर है वो 50,000 की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करने वाला है। तो हम यहाँ पर 50,000 रुपये टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम उसके क्रेडिट कार्ड का नंबर फिल कर देंगे। रेंडमली हमने यहाँ पर एक नंबर फिल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद मान लीजिए कस्टमर अगर चेक से पेमेंट कर रहा है तो यहाँ से आप चेक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर चेक को नहीं लेने वाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जिस बैंक का आपका चेक होगा उसी तरीके से आप इस बैंक के चेक को सेलेक्ट करके यहाँ पर अमाउंट डाल करके इस एंट्री को पास कर सकते हैं। हम इसे फिलहाल छोड़ रहे हैं, हम इसे नॉट एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए बाकी का जितना भी पैसा बचा है वो पैसा हम कैश के माध्यम से कस्टमर से लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कैश को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमें कस्टमर से टोटल 26,000 का अमाउंट रिसीव करना है। अब मान लीजिए कस्टमर के पास कैश चेंज नहीं था, उसने 26,000 की जगह पर हमें 27,000 पे किया, तो यहाँ पर हम 27,000 पे करेंगे और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं बैलेंस अमाउंट यहाँ पर 1,000 दिखाई देगा जो कि हमें उसे रिटर्न करना होगा। तो हम यहाँ पर उसे 1,000 रुपये रिटर्न करके उसका टोटल अमाउंट बिल यहाँ पर बना लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नरेशन में अगर आप यहाँ पर कुछ फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर नरेशन को स्किप कर रहे हैं, हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक और ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट का। अब यहाँ पर आपके सामने एक तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन आपको कॉन्फ़िगर का दिखाई देगा। आप अपने प्रिंट की सेटिंग्स में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करके आप अपने बिल को प्रीव्यू कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। और प्रिंट पे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी प्रिंटर यहाँ पर अटैच होगा उस प्रिंटर से जो आपका बिल होगा यानी जो आपका इनवॉइस होगा वो यहाँ से प्रिंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद होगा वाउचर टाइप बनाते समय हमने वहाँ पर एक ऑप्शन यस कराया था, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। तो दोस्तों वहां पर अगर हम इस ऑप्शन को यस नहीं करते तो हमारे सामने ये ऑप्शन नहीं आता और हमें डेबुक से जा करके उस बिल को निकाल करके फिर उसे प्रिंट करना पड़ता। तो इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम यहाँ पर उस ऑप्शन को यहाँ पर यस रखें। और यहाँ पर मैं आपको एक बार प्रीव्यू करके अपने बिल इनवॉइस को दिखा देना चाहूंगा। प्रीव्यू पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा पॉइंट ऑफ सेल का बिल यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे जाएगा। इसको जूम करने के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ जेड। ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करते ही आप देख सकते हैं हमारा इनवॉइस यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारी कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑफ सेल। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, GST नंबर दिखाई दे रहा है, स्टेट नेम और स्टेट कोड भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ईमेल आईडी और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल इन्फोटेक यानी जो हमने डिफॉल्ट टाइटल वहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक लिखा था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, डेट आपको दिखाई दे रही है, पार्टी का नाम और पार्टी का GST नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो आइटम हमने यहाँ पर सेल किया है उस आइटम की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, iPhone 13 Pro Max, उसका HSN नंबर, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस और टोटल उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। CGST और SGST आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। CGST आप देख सकते हैं 9% है, SGST और UTGST भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 9% है।
टोटल अमाउंट इंक्लूड करके हमारा यहाँ पर अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, गिफ्ट वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी जितने भी मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट्स थी वो आपको टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे हमारा डिक्लेरेशन आपको दिखाई दे रहा है, उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे हमने जो दो मैसेजेस यहाँ पर टाइप करे थे थैंक्स फॉर विजिट और विजिट अगेन, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपकी कोई शॉप या फिर आपका कोई मॉल है और आप टैली की मदद से इसका बिल इनवॉइस काटना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप पॉइंट ऑफ सेल के नाम से एक नया वाउचर क्रिएट करके आसानी से ये काम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।